मुसलमान हूँ, लेकिन अगर हम हिंदू मुसलमान पे चुनाव लाएंगे तो सीधी सी बात है कि बीजेपी जीत पाएगी। और अगर हिंदू मुसलमान पे कोई भी यूपी के अंदर चुनाव होगा तो मैं नहीं मानता कि कोई और पार्टी जीतेगी, सिर्फ बीजेपी को इसका फायदा होगा और बीजेपी जीत पाएगी। 14 में ओवैसी नहीं था भाजपाई, 17 में ओवैसी नहीं था भाजपाई, जब हम नहीं थे जब भी भाजपा यार थी, अब हमारा भी भाजपा ले रखा भाजपा। 2017 में ओवैसी आया था उत्तर प्रदेश में तो फिर क्यों जीतती बीजेपी जब उत्तर प्रदेश में आई भाग ले। मोहम्मद शहबाज आपका नाम बताइए। 74 साल 75 साल देश को आजाद हो गए, जादो 7% है, हम 20% है। हिंदुस्तान का पहला एक मुस्तकबिल नेता बैरिस्टर पहली बार हिंदुस्तान के अंदर आया, उसने डिप्टी सीएम मांगा उत्तर प्रदेश में अखिलेश से, मनी कर दिया ना 7% वाले को, 7% वाले को जब हम 4 बार मुख्यमंत्री बना सके हैं, क्या 20% वाला मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? अगर हिंदू मुसलमान को बांटने की बात करो तो मैं तो भड़कू मानूंगा उसे। पार्टी वो होनी चाहिए जो सबको साथ लेके चले, जैसे अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी को नरसंहार पसंद है क्योंकि उन्होंने मुजफ्फरनगर मुसलमानों का नरसंहार कराया था। मेरे भाई ने की मुजफ्फरनगर की बात, ठीक है, मुजफ्फरनगर की बात करी, मुजफ्फरनगर दंगे की बात करी, तो मैं तो मानता हूँ कि वैसी दंगे की बात करते हैं, भड़को भाषण देते हैं। सहारनपुर बेहट में इस वक्त मैं मौजूद हूं। 2022 का आगाज हो चुका है चुनावी तौर पर भी, और आज 1 जनवरी है। सहारनपुर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सभा होने वाली है। जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रैलियों में जन सैलाब उमड़ रहा है उससे खलबली मची हुई है, जिसमें हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। तो कई ऐसे लोगों को मंचों पर भेज दिया गया है जो धर्म संसद के नाम पर सिर्फ जहर उगल रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, ताकि जो वोटर हैं उन्हें एकजुट करके मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा सके। जनता इसे किस तरीके से देख और समझ पा रही है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ युवा मौजूद हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सभा लगातार हो रही है, जनसैलाब उमड़ रहे हैं, धर्म संसद से मुसलमानों को मारने काटने की धमकी है, किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग इसे? देखिए, अगर मंच से ऐसी आवाज आएगी धर्म का उपयोग करने की तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं है, गलत है। और दूसरी बात यह है कि वोट का अपना अधिकार है, लोगों का पब्लिक आई हुई है, पब्लिक भी बहुत है। बाकी मैं अपनी बात करूंगा, मैं यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी को देखने के लिए आया हूँ, अच्छे इंसान हैं, लेकिन जो उनके भाषण में सुन रहा हूँ, यूट्यूब पे भी लगातार देख रहा हूँ, उससे मेरे हिसाब से तो उसको यहाँ पे काफ़ी भी नहीं मिलेगी। और मैं इस हिसाब को देखते हुए यहाँ पे समाजवादी को वोट करूँगा। समाजवादी पार्टी को आप यहाँ पर वोट करेंगे क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ओवैसी के साथ मुसलमान जुड़ रहा है। मैं आपका नाम भी यहाँ जानना चाहूँगा, किस तरीके? मेरा नाम चौधरी शाबान अली है, मुसलमान हूँ, लेकिन अगर हम हिंदू मुसलमान पे चुनाव लाएंगे तो सीधी सी बात है कि बीजेपी जीत पाएगी। मंचों से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साहब जो है लगातार आवाज उठा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को हक नहीं दे पाई है, आजम खान की आवाज को पूरी तरीके से दबा दिया जहां समाजवादी पार्टी को लड़ना था। कौन सा हक दबा दिया? पूरी खुल करके उनकी आवाजों को नहीं उठाया। देखो, ये सरकार जो फिलहाल वर्तमान में सरकार है बीजेपी की, उनकी बहरी सरकार है, किसानों ने भी 13 महीने जो है संघर्ष किया। 13 महीने के बाद जैसे ही चुनाव नजदीक आया और जो हिमाचल में चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, उसमें उन्होंने अपनी करारी हार देखी, बंगाल में करारी हार देखी, तो उसको देखते हुए उन्होंने जो है अपने बिल वापस लिए। तो ये तो गुंगी बहरी सरकार है, किसानों की भी नहीं सुन रही। इतना बड़ा संघर्ष किसानों ने किया, मेरे हिसाब से कोई नहीं कर सकता। क्योंकि किसानों की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि किसानों के तीनों कृषि कानून जो है भाजपा ने वापस ले लिए, तो ये बताने की कोशिश की जा रही है मंचों से कि अब विपक्ष के पास कुछ मुद्दा नहीं बताया। आप समाजवादी पार्टी से हैं, समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? पहले तो मैं किसान हूँ, और जैसा आपने कहा कि तीनों बिल वापस ले लिए, खाली बिल वापस लेने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। गन्ने का भुगतान इन लोगों ने 15 दिन में किया था, नहीं हो पा रहा, हमारा खुद का रुका हुआ पड़ा है। और धान की खरीद की बात की थी, वो भी नहीं हो पा रही है, और मेरे हिसाब से तो कोई काम नहीं हो पा रहा। सिर्फ 2000 रुपये डाल रहे हैं जिसमें लोगों को बहला फुसला रहे हैं, 2000 से तो काम नहीं चलेगा। और जैसा आपने समाजवादी पार्टी की बात करी, मैं समाजवादी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक वोटर हूँ, मुझे अधिकार है वोट करने का। लेकिन मेरे हिसाब से इस वक्त अगर बीजेपी को उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी पार्टी जो है वो टक्कर दे रही है तो मेरे हिसाब से समाजवादी पार्टी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में जो है इस वक्त हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी जातों का साथ लेकर के चल रही है, सभी को जो है बराबर के हिस्सेदार बनाए जा रहे हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से मेरा अपना जाति मामला है कि मैं मेरे हिसाब से मैं समाजवादी पार्टी को वोट करूं।
मुस्लिम हिस्सेदारी की मंच जो है ओवैसी साहब के मंचों से की जा रही है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया जो हैं वो अनदेखी कर रहे हैं मुस्लिम नेताओं की मंचों से, किस तरीके से देख रहे हैं इन चीजों को? देखिए वो अपना 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 सिस्टम है सबका, ठीक है। दूसरी बात, अभी एक मामला असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सहारनपुर के अंदर उठाया था कि गंगों में अखिलेश यादव जी आए थे कि वहाँ जो है कुछ नेता थे जो वहाँ पर नहीं गए उस पर स्टेज पे, उन नेताओं से भी बात हुई है। उन नेताओं का कहना है कि हमारा अपना मामला है, वो किसी का अपना जो है जो उसका चौधरी रुद्र सैन का अपना प्रोग्राम था, वो पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, तो अगर जो है वो उनको बुलाते तो वो जाते, लेकिन नहीं बुलाया गया, वो उनका अपना अपना पारिवारिक मामला है, नहीं बुलाया। तो जो है जो समाजवादी नेता थे वो हेलीपैड पे मिले अपने नेताजी से, तो उसमें से मेरे हिसाब से लगता है, मुझे तो कोई बड़ी बात नहीं लगती उसमें। कोई बड़ी बात नहीं लगती। आप ओवैसी साहब को सुनने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं, जैसे कि भाई ने बताया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ मुस्लिम आखिरकार क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को जिताने का जो फायदा पहुंचाएंगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। देखिए सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम देता हूँ सभी भाइयों को, मैं हरिद्वार से हूँ, और जो अभी भाई ने कहा कि समाजवादी पार्टी सबको लेके चलती है, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति है। हरिद्वार के अंदर धर्म संसद हुई है, अब आप ये बताओ हरिद्वार के अंदर किस तमाम जितनी भी पार्टी है भारत के अंदर किस पार्टी ने मुसलमान के लिए आवाज़ उठाई है, वो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब डॉक्टर नैयर काजमी हैं उत्तराखंड से, ठीक है। और रही बात समाजवाद की, के सभी को समाजवाद पार्टी साथ में लेके चलती है। अभी कुछ दिन पहले जयंत चौधरी के स्टेज से और क्या बोलते हैं अखिलेश यादव के मन से एक मुसलमान 10 साल से विधायक है उसको धक्के मार के भगा दिया जाता है, और इससे पहले भी एक मुसलमान को विधायक को धक्के मारकर भगा दिया जाता है। तो मैं नहीं मानता हूं कि मुसलमानों का इनको जो है मुसलमानों की ये आवाज़ उठाते हैं, मुसलमान को एक पत्ते की तरह है, जिस तरह हमने कोई खाना खाया उस पर कोई चाट वाट किसी प्रकार का कुछ खाया और उस पर खाकर उसको पत्ते को फेंक दिया, बाकी वोट ले लिया मुसलमान का और मुसलमान से नेता बन गए, ठीक है। ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुसलमानों का इस्तेमाल जो है सपा ने एक पत्ते की तरह का किया है, खाया और फेंक दिया, क्या कहेंगे? देखिए कहने में और करने में वो फ़र्क होता है। जैसे मेरे भाई साहब ने कहा कि स्टेज से धक्के मार के निकल गया, धक्के नहीं मारे, ऐसे क्या वो हाथ लग गया वहाँ पे थोड़ा सा पीछे हो गया, उसी के बावजूद जमीरुल्लाह खान को पीछे हटाया, जयंत चौधरी ने पीछे हटाया कि तू पीछे हट, वो मुसलमान ऐसा ऐसा नहीं है। उसके बाद जो अखिलेश यादव को उस बात का पता लगा और अखिलेश यादव जी ने उसको लखनऊ बुलाया और पूरा मान सम्मान देगा, तो बताओ मान सम्मान में कहाँ कमी आ रही है? मान सम्मान और कहां कमी आई? दूसरी बात भाई साहब ने कहा मान सम्मान की बात तो तब होती अगर नरसिंहानंद वो बयान देते दिया है जो मुस्लिमों के खिलाफ के मुसलमानों को काटो, उस पर क्या आपत्तिजनक बयान दिया उन्होंने मालूम है? अखिलेश यादव ने क्या बोला? चुप्पी थाम गए ना कि अगर मैं बोलूंगा तो सारा हिंदू वोट कट जाएगा या नहीं कट जाएगा, बताओ आप। नहीं पहले आप बोल लीजिए, बता दिया मैंने। अखिलेश यादव क्यों नहीं बोले? फिलहाल माहौल जो है यूपी के अंदर आप लोग देख लीजिए, यूपी के अंदर क्या माहौल है, ठीक है। गुंगी बहरी कट्टर सरकार है और इस सरकार को हटाने के लिए मैं नहीं मानता कि समाजवादी पार्टी से अलग कोई पार्टी है। आप लोगों को पता है हमारी भेंट विधानसभा है, मैं भेंट विधानसभा से आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है खुला सबसे आप इंटरव्यू ले लीजिए जाके, यहाँ तो फिलहाल देखो जब इंसान जहाँ जिसके घर जाता है उसकी बात करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप जाके रोड पर इसका इंटरव्यू लेंगे तो लोग यही बात कहेंगे यहाँ जो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी की दोनों की टक्कर है। अब 10-20 हज़ार से या 10-5 हज़ार से समाजवादी पार्टी जीत जाए या भाजपा जीत जाए, दूसरी बात अगर ये माहौल समाजवादी तो कोई वोट नहीं दे रहा समाजवादी को, यहाँ सिर्फ ढोके उछले है ये वोट देने के, असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ सब, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ हैं सबका सवाल यही है कि धर्म संसद के ऊपर आखिरकार अखिलेश यादव चुप क्यों? नहीं अगर धर्म के ऊपर राजनीति करो तो फिर कहाँ काम चल रहा है? वो तो वोट अब जैसे आप पहले मैंने कह रहे हैं कि मुसलमानों के वोट तो लेना चाहते हैं, पर जब असल में मुद्दे उठाने की बात आ रही है तो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बोल रही। चलिए आप बताइए मैं क्या कर रहा, मैंने आजम खान की जो पुत्र बहु है, मैं बता रहा भैया आपको बता रहा, आजम खान की जो पुत्र बहु है उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हमें अखिलेश यादव से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अखिलेश यादव हमारा साथ पूरा दे रहे हैं। तो जब अगर मेरे साथ गलत हो रहा है और आप मेरा साथ दे रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि आप मेरा साथ नहीं दे रहे, तो जब मैं कह रहा हूँ कि आप मेरा साथ दे रहे हैं तो लोगों को क्या मतलब इस चीज से, आप बता दीजिए मुझे। समाजवादी पार्टी को नरसंहार पसंद है क्योंकि उन्होंने मुजफ्फरनगर मुसलमानों का नरसंहार कराया था और आज भी देश के अंदर नरसंहार करने की मुसलमानों की बात हो रही है, तो मुसलमानों के लिए
अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव हो, कोई भी समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठा रही है। हरिद्वार के अंदर धर्म संसद हुई है, हम वहां पर गए, सबसे पहली पूरे भारत के अंदर सबसे पहली FIR हमने जाकर दी हरिद्वार के अंदर। किसी पार्टी के किसी नेता ने आज तक FIR नहीं दी जाके के हरिद्वार के अंदर जाके FIR करे। हालांकि वहां पर कांग्रेस के भी दो विधायक है, मैं कल विधानसभा से आता हूं, वहां पे हाजी फुरकान अहमद है और काजी निजामुद्दीन है मंगलौर सीट से। तो मैं कहूंगा कि सब जो है खेल बहुत पहले से चलता हुआ जैसे आ रहा था कि मुसलमान का वोट लो और सत्ता में हम बैठेंगे, और रही बात जब हिस्सेदारी की तो हिस्सेदारी से इनको वंचित रखा जाएगा। मुसलमान 70 सालों में इतना ज़्यादा पिछड़ चुका है, इतना ज़्यादा बैकवर्ड हो चुका है। हमने सिर्फ और सिर्फ इनको विश्वास किया और इसी वजह से आज हम इनकी जितनी भी पार्टियां हैं इन्हीं के कारण आज हम बैकवर्ड भी हैं और सबसे ज़्यादा मजलूम भी हैं। क्योंकि इनका भी ये कहना है कि अगर बात की जाए सहारनपुर के बेहट जिले की, तो कहीं भी अगर आप चौराहे से यहाँ से निकल करके बाहर जाएंगे तो दो ही पार्टी में मुकाबला है, BJP और सपा में, ओवैसी को टक्कर में मान ही नहीं रहे। नहीं देखो, अगर अखिलेश को ये लगता है कि हम जीत रहे हैं और हम गठबंधन भी नहीं कर रहे हैं, तो आज आपके सामने है, आज शोषित वंचित समाज का सम्मेलन हो रहा है। मेरे भाई ने की मुजफ्फरनगर की बात, ठीक है, मुजफ्फरनगर की बात करी, मुजफ्फरनगर दंगे की बात करी, तो मैं तो मानता हूँ कि ओवैसी दंगे की बात करते हैं, भड़को भाषण देते हैं। मेरे भाई एक भड़काऊ भाषण कोई नहीं, अजी सारे भड़काओ। इसके भाई ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम देख लेंगे। 56 दिन जेल में रहे हैं, 56 दिन जेल में रहे हैं। कौन दे 56 दिन जेल में रहे हैं। तो एक बात बता दीजिए आप मुझे, ये भाई भी खड़े हैं हंसिया, हम बड़े प्यार से बात करते हैं क्योंकि हम समझते कि वो समर्थक है। मेरे भाई, मेरे कहने का मतलब ये है, आज के टाइम में इस सरकार में हर इंसान में मुकदमा हो रहा, जो बोल रहा मुकदमा हो रहा। असुद्दीन ओवैसी हर अपनी सभा से वो भाषण बोल रहे हैं जो उन्हें उनकी जुबान से अच्छे नहीं लगते, लेकिन उसके बावजूद वो मुकदमे नहीं हो रहे। साहब बताइए ना, कितने कितने क्या बताओ, कितने 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 भड़काऊ भाषण है। एक आप बता नहीं, मैं एक हर जगह हिंदू मुसलमान की बात हो रही, हर जगह। इससे कोई अगर हिंदू मुसलमान से हट रहे कोई बात करे तो मुझे बता दीजिए आप। हिंदू मुस्लिम की तो बात तमाम पार्टियां कर रही है, तो क्या वो भी दंगे भड़काने की बात कर रही है? अगर हिंदू सारी सेक्युलर पार्टियां हिंदू मुस्लिम, अगर हिंदू मुसलमान को बांटने की बात करो तो मैं तो भड़काऊ मानूंगा उसे। कोई भी पार्टी वो होनी चाहिए जो सबको साथ लेके चले, जैसे अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। चलिए मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर शोषित वंचित समाज सबको लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सम्मेलन कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी कभी कश्यप सम्मेलन कर रहे हैं, कभी बहुजन सम्मेलन कर रहे हैं, क्या मुस्लिम सम्मेलन करने का ऐलान करेंगे? कर दिया, कर रहा। मैं बता रहा भाई साहब, मैं बता रहा आपको, आने वाली 27 तारीख को ऐलान कर दिया। हल्ला गुल्ला करने से आप एक आदमी को नहीं दबा सकते, कोई इन्हें कोई कुछ नहीं। हल्ला गुल्ला करने से आप इतने आदमी इकट्ठे हो गए, एक आदमी को नहीं दबा सकते। मुझे बोलने का अधिकार है, आपको पूरा मौका दिया। मुझे बोलने का अधिकार है, जो मेरे मन में आएगा मैं बोल लूंगा, ठीक है, जो मुझे अच्छा लगेगा। मोहम्मद शाहबाज आपका नाम बताइए, 74 साल 74 75 साल देश को आजाद हो गए, यादव 7% है, हम 20% है, हिंदुस्तान का पहला एक मुस्तकबिल नेता बैरिस्टर पहली बार हिंदुस्तान के अंदर आया, उसने डिप्टी सीएम मांगा उत्तर प्रदेश में अखिलेश से, मने कर दिया ना। 7% वाले को जब हम 4 बार मुख्यमंत्री बना सके, क्या 20% वाला मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बन नहीं सकता क्या? 7% वाले को वोट दे दो, 20% वाला ना मांगो अपना। गठबंधन क्यों नहीं कर रहा? 20% वाले के साथ गठबंधन क्यों नहीं कर रहा बताओ भाई साहब? नगरी मुख्यमंत्री बात, पहली बात, जहाँ से असुद्दीन ओवैसी साहब आते हैं तेलंगाना से, ठीक है, वहाँ पे असुद्दीन ओवैसी का अपना खुद का मुख्यमंत्री नहीं है, पहली बात। अगर असुद्दीन ओवैसी जो है एक अच्छे इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है, उसको तेलंगाना के अंदर मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, नहीं बनाया। दूसरी बात, अगर मुख्यमंत्री की मांग करते तो पहले तेलंगाना के अंदर करते, अगर तेलंगाना के अंदर जाए मुख्यमंत्री की मांग करते, यहाँ के करते, फिर हमें अच्छा लगता, लेकिन वहाँ नहीं करी, यहाँ के कर रहे। आजम खान भैंस चोर है, मैं तो कह रहा हूँ, गुंडी वाली सरकार है, गुंडे की सरकार की,
जब तो सर इसे जाए। अच्छा लोगों का एक सवाल मैं भी यह पूछना चाहूंगा, क्योंकि लोगों का यहाँ सवाल है कि आज तक अखिलेश यादव आजम खान से जेल में मिलने के लिए उसके घर में मिल रहे हैं, गए 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 घर पे, सीतापुर गए मिलने। भाई मेरी बात सुनो, उसके घर भी गए मिलने, सीतापुर भी गए मिलने, सीतापुर जेल गए, सीतापुर गए, देख लीजिए आप लोग, आप तो ज्यादा जानकारी है ना। उससे पहले ओवैसी साहब ने कहा था कि हम आजम खान से मिलने जाएंगे, उसके बाद उन्होंने मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बता दो भाई साहब, आप आजम खान से मोहब्बत करते हैं? मौलाना कलीम सिद्दीकी से मोहब्बत करते हैं आप? उमर अब्दुल्ला से उमर मोहब्बत करते हैं? उमर खालिद से करते हैं? अगर आप करते हैं, अगर आप करते हैं तो समाजवादी सरकार ले जाओ, अगर 10 दिन के अंदर बाहर निकल गए नाम बदल दियो, 10 दिन के अंदर बाहर निकल गए। मान लीजिए समाजवादी सरकार नहीं आई, मान लीजिए समाजवादी सरकार नहीं आई, खत्म, आने के लिए इंशाल्लाह आने के लिए, फिर कौन छुड़ा लगा, फिर कौन छुड़ा लगा। एक बात भाई, पुरम्मा कलेज के हाथ चल रही है एक तरफा, अब पुरम्मा सरकार बन जिसकी, जो पुरम्मा बड़े वोट ले वो सरकार बनाओगा, भाई इसका जाट भी साथ है, मुसलमान भी साथ है, तो सरकार अखिलेश बना रहा, सब काम बड़े होंगे, आज तो होंगे। सुनो इमरान हुसैन ने एक बात बोली थी 2014 में, क्या करा, सारा सफाया होगा, एक सीट लगी मुसलमानों की, एक सीट मुसलमानों की, फिर उसमें सत्ता एक सीट नहीं मुसलमानों की। ओएसी नहीं कर रही हमें, हम तो बात करें ओएसी, ओएसी पढ़े आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, बात करेंगे भाई जी, इनका सुन लो, अगले 351 सीट ला रहा, एक तरफ सरकार आ रही और भाई हमने रोजगार मिला। मैं एक भाजपा भी यही दावा कर रही है वो 400, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, भाजपा भी यही दावा कर रही है कि वो 400 के पास, भाजपा तो 110 भी नहीं पकड़ दी। हमारा अनुमान सिर्फ ये है कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ हमें सारी छोड़ के 40 मिल जा, पल्ला पसार के बाहर पीछे फिरेंगे। ओवैसी ने चुनाव लड़ा बिहार में, लालू का लंडा सरकार में हार था, वहाँ वोट कार्ड का वहाँ बेटा करक होगा, बताओ 2017 के चुनाव, मेरी बात सुनो, 2017 में ओवैसी आए थे उत्तर प्रदेश में, तो फिर क्यों जीतती बीजेपी जब उत्तर प्रदेश में आई भाग ले, 2017 में 38 सीटों में चुनाव लड़ा किसने, आईएम पार्टी ने, पता कर लो, और यूपी में और जो है ना हर सीट पर जबरदस्त हुई, देख लो इतिहास जान लो, देख लो 14 में ओवैसी नहीं था भाजपाई, 17 में ओवैसी नहीं था भाजपाई, जब हम नहीं थे जब भी भाजपाई आ रही, अब हमारे भी भाजपाई ले रखा भाजपा, समर्थक जो हैं आपस में अपनी तकरीरों को रखते हुए नजर आए।